हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही फ़िश दम बिरयानी की रेसिपी। ये बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है, और बिना मसाले के, कम से कम मसाला में, कम से कम तेल में मैं ये बिरयानी बना के आपको मैं दिखाऊंगी। जी हाँ, बहुत वैरायटी है ये बिरयानी, बहुत टेस्ट लगेगा, आप लोग बिल्कुल ट्राई कीजिएगा इस चीज़ों को। चले बनाते हैं, लेट्स गो। इसके लिए चाहिए हमें 8-9 बड़े लंबे स्लाइस में कटे हुए प्याज, लहसुन, अदरक, आधा इंच का दालचीनी टुकड़ा। इस सब को मिला के मैं 6-7 टमाटर डाल के इसे अच्छे मिक्सी कर लूँगी। मैंने यहाँ पे कतला मछली लिया है, आप जो भी बिना काटे वाले मछली है वो ले सकते हैं, बड़े बड़े पीसेस। जो मैंने मसाला बताया था जो भी आपको, उसको पीस के मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। मैरिनेट करेंगे हम लोग आधा घंटे के लिए, ज़्यादा देर तक मैरिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। उसके अंदर आधा कप दही इसे अच्छे से मिला लेंगे। नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। स्पाइस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1-1.5 चम्मच में डाल रही हूँ, थोड़ा स्पाइस रहे तो अच्छा लगता है। अगर आप कम खाते हो तो कम डालिएगा। कसूरी मेथी थोड़ा सा, और भर के धनिया डालिएगा, मुट्ठी भर के धनिया डालिएगा, धनिया पत्ती बहुत अच्छा लगता है इसमें। धनिया पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ मैं। इसे अच्छे से मिला लेंगे। जो जो मसाला लिए हैं मैंने, कम से कम में लिए हैं मैंने, उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। इसे अच्छे से मिला लीजिए। 2 लौंग, 2 इलायची, 3 तेज पत्ता, 1 खड़ा मसाला लकड़ी का टुकड़ा, जायफल, जायत्री फूल, ये थोड़ा थोड़ा ही लिया है मैंने एकदम। ये सब अच्छे से मिला के एक एक करके फिश अच्छे से धो दिए थे मैंने, उसको डाल देंगे हम लोग बड़े बड़े पीसेस। अब जो भी चाहे मछली ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ज़्यादा काटे ना हो मछली, वो लीजिएगा। इसे आधा घंटा के लिए ही मैरिनेट करिएगा, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैरिनेट करने के बाद, इसलिए मैरिनेट करने बोल रही हूँ क्योंकि फिश टूटेगी नहीं जब हम लोग राइस में मिक्स करेंगे। तो मैरिनेट करके साइड में रख दिया मैंने। एक कढ़ाई में 8 चम्मच तेल डाला मैंने, देखिए गरम हो गया। मैंने आधा प्याज मसाला में पीसा है और बाकी जो प्याज बचा था मैं इसे कढ़ाई में डाल रही हूँ। इसमें प्याज ज़्यादा अच्छा लगता है ज़्यादा डालने से, क्योंकि हमने खड़ा मसाला बहुत कम लिए थे, तो प्याज से ही मसाला बनेगा इसका। प्याज अच्छा से भून जाए, गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए वैसे भून लीजिए। जो मसाला हमने मैरिनेट के लेके रखे थे उसमें से मैंने फिश निकाल दिया है, फिर मसाला डाल दिया है, फिश हम लास्ट में डालेंगे। मैरिनेट होने के बाद फिश निकाल दीजिए, साइड कर दीजिए, उसमें जो भी मसाला बचता है मैरिनेट किया हुआ वो सब डाल दीजिए इसमें। इसे अच्छे से पका लेंगे। ढक देंगे 5-10 मिनट के लिए। पाँच मिनट में खोल देंगे, देखिए तेल ऐसे ऊपर आना चाहिए तो मसाला एकदम पक गया हमारा सोचेंगे। अगर आपको मसाला ज़्यादा थिक लग रहा है तो देखिए तेल किस तरह से बाहर आ गया। इसमें एक एक करके फिश डाल देंगे हम लोग एकदम आराम से। वैसे फिश टूटेगी नहीं क्योंकि मैरिनेट करके रखे थे हम लोग आधा घंटा। इसमें पूरा
थोड़े फिश डाल देंगे, आंच धीमी कर लीजिएगा। इसे ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे। फिश को पूरी तरह नहीं पकाना है क्योंकि हमें दम पे पकाना है फिर उसे। देखिए पक रही है फिश, थोड़ा सा पानी डालती हूँ मैं, काफ़ी गाढ़ा हो गया है मसाला क्योंकि हम लोग राइस में मिक्स करना है पूरा ग्रेवी को। देखिए अब फिश डालने के बाद बिल्कुल कड़छी या चम्मच कुछ नहीं डालिएगा, इस तरह से कढ़ाई को पकड़ के उसको हिला के फिर रख दीजिए। फिर 5 मिनट रख देती हूँ मैं ढक के। देखिए तैयार हो गया फिश का मसाला हमारा। फिश लेकिन पूरी तरह पकी नहीं है ये, इसमें धनिया पत्ती डाल के उसको मैं साइड कर दूंगी। साइड से ठंडा करने रख दूंगी। राइस मैंने पका लिया था, आधा भगोने में लूंगी मैं राइस। राइस कैसे पकाना है बिरयानी के लिए मैंने चिकन के बिरयानी में मैंने बताया है, आप जाके देख सकते हैं। इसमें आधा भगोने में मैंने राइस ही लिया है, कोई तेल वेल कुछ नहीं डाला है। मैं पूरे परिवार के लिए बना रही हूँ इसलिए भगोने में, बड़ा भगोने में बना रही हूँ मैं। फिर एक एक करके फिश डालेंगे हम लोग। आधा राइस निकाल दिया था मैंने, आधा राइस है दो तीन ही डालिएगा फिश, तीन पीसे डाल रही हूँ मैं, बड़े फिशेस के टुकड़े हैं ये, बड़े पीस है फिश के। इसमें ग्रेवी डालूंगी, तला हुआ प्याज और कुछ डालने की कोई ज़रूरत नहीं, ये ऐसे ही बहुत टेस्ट लगता है और कम तेल में बनाएंगे तो हेल्थ के लिए भी बहुत सही है। डाल के फिर एक लहर हम लोग फिर से राइस का डाल देंगे। मैंने गैस के ऊपर बिल्कुल नहीं चढ़ाया है, बस मैं बाहर ही भगोने में करके बता रही हूँ मैं आपको लहर बाय लहर। फिर उसके बाद फिर से फिश डाल देंगे, फिर से राइस डाल देंगे। देखिए पूरा राइस मैंने इसे कवर कर दिया मैंने, उसके अंदर 3-4 चम्मच मैं तेल डाल लूँगी। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैं तेल ही डाल रही हूँ। बहुत सारे जन फिश को फ्राई करके उसके तेल से बनाते हैं, उससे इतना स्वाद नहीं आता है, इसलिए मैं ग्रेवी टाइप बना के उसके साथ सेट करके डालूंगी, तभी उसे पूरा स्वाद उसका राइस में आएगा। देखिए पूरा धनिया पत्ती ही डाल दिया मैंने। इसमें थोड़ा सा पानी मुट्ठी भर दो बार लेके इसमें छिड़क देंगे हम लोग, ताकि अच्छे से बाप आके पकड़ना चाहिए। इसमें एल्युमिनियम फॉइल लगा दिया मैंने अच्छे से, आप चाहे तो आटा को भी गूंद के उसको अच्छे से लगा के उसको ढक्कन कर सकते हैं, तो ऐसा एल्युमिनियम फॉइल भी लगा सकते हैं। इसको मैंने गैस के ऊपर 10-15 मिनट के लिए धीमी आंच पर दम पे पकने दे रही हूँ मैं। देखिए 10-15 मिनट हो गया हमारा, एकदम धीमी आंच पर पक गया है। मैं देखिए मैं खोल के दिखाती हूँ, पूरा अंदर से एकदम आराम से निकालिएगा। देखिए कितना अच्छा भाप और मस्त खुशबू आ रही है। देखिए इस तरह का कड़छी लीजिएगा जो फ्राई करते हैं ना हम लोग, ऐसे वाली कड़छी, एकदम आराम आराम से निकालिएगा। फिश है काफ़ी डेलिकेटेड होती है। देखिए निकल के आ गया, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है यहाँ पे, मस्त मस्त पक गया है हमारा चिकन फिश बिरयानी। सॉरी, इसे आराम से निकाल के मैं प्लेट में सर्व कर दूंगी इसे। अगर आपको मेरा रेसिपीज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। थैंक यू। तैयार है हमारी फ़िश बिरयानी, दम बिरयानी।